देश के समाचार में आपका स्वागत है। हम मलहनी विधानसभा क्षेत्र में हैं, आइए जनता से जानते हैं। सर, इसमें जो इलेक्शन का माहौल है, इसमें जीत की उम्मीद किसकी ज़्यादा है, आप बता सकते हैं? धनंजय सिंह की। आप धनंजय सिंह के समर्थक हैं? समर्थक नहीं है, लेकिन माहौल देख रहे हैं, धनंजय सिंह जीत रहे हैं। तो लकी यादव का क्या? लकी यादव भी लड़ रहे हैं, लेकिन लकी यादव उनको नहीं पाएंगे, बहुत पीछे हट जा रहे हैं। कुछ कारण है जिसकी वजह से? कारण है, धनंजय सिंह जमीनी नेता हैं, वो जमीन से जो है उठकर आए हैं। लकी तो आज आए हैं, कल चले जाएंगे। धनंजय सिंह जनता के बीच रहते हैं, जनता के जो है सुख दुख सुनते हैं। धनंजय सिंह ने ऐसा कुछ काम किया है जो आप बता सकते हैं? धनंजय सिंह क्षेत्र में बहुत काम किए हैं, सड़क दिए हैं और गरीबों को जो है सुख दुख में जो है सहयोग करते हैं, और हैंडपाइप इतना लगवा दिए हैं, जनता जो है उनके पीछे जो है भाग रही है। सुबह रात जब चाहिए आप, मोटरसाइकिल से जाइए, पैदल भी जाइए। मैं सुल्तान अहमद वारसी फतेहगंज मलनी क्षेत्र से बोल रहा हूँ। हम समर्थन हैं धनंजय सिंह के, वो हमारे जो है बहुत पुराने से लेके आज तक हम उनके साथ हैं। तो यहाँ पे आप बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं इस बार? अरे भाई, बीजेपी को कहाँ से वोट करें यार, जब हमारे क्षेत्र के हमारे धनंजय सिंह को टिकट ही नहीं दे रहे हैं, तो हम उनसे उनको क्या दें। तो धनंजय सिंह के कार्यों से आप बहुत खुश हैं? हम भाई बहुत खुश हैं, आज से नहीं, जब से उन्होंने इस क्षेत्र में जो है पांव रखा, उनके घर से लेकर के यहाँ तक पूरा उत्तर प्रदेश तक हम उनके साथ रहते हैं। देखिए, पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने जो कार्य किया है वो आज तक जनपद में कार्य बहुत नंबर एक है, कोई मर जाता वो जनपद में आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाया है। चाहे वो 2002 से लेकर 2022 तक का पूरा इतिहास उठा के देख लिया जाए, तो मलहनी में जितना काम धनंजय सिंह ने करवाया है, दूसरा कोई प्रत्याशी इतना कार्य आज तक करवा नहीं पाया है। चाहे किसी की मरनी करनी हो, चाहे किसी गरीब बच्ची की शादी विवाह हो, अगर वो धनंजय सिंह के घर पर गई है तो हमेशा मदद पाई, कभी कोई खाली हाथ नहीं आया है। और पूरे मलहनी विधानसभा की बात करें, पूरे मलहनी विधानसभा में धनंजय सिंह एज ए सांसद रहते हुए जितना नल लगवाया उन्होंने, आज तक किसी एमपी ने उतना नल नहीं लगवाया। पूरे जनपद में उन्होंने लोकसभा 73 क्षेत्र के पूरे जनपद में उन्होंने नल लगवाया है, और आज वो निर्वाचित नहीं है, पद पर नहीं है, उसके न रहते हुए भी जितना कार्य धनंजय सिंह करते हैं, जितना लोगों की बातों सुनते हैं, सबके आधी रात के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, उतना कार्य आज तक कोई कर नहीं पाया है। चाहे वो लकी यादव हो, चाहे अन्य कोई भी व्यक्ति हो, धनंजय सिंह के अलावा मलहनी में कोई चुनाव जीत नहीं सकता है। और इस बार जनता ने मन बना लिया है कि अगर कोई चुनाव जीतेगा तो वो धनंजय सिंह ही चुनाव जीतेंगे, क्योंकि वो सबसे लोकप्रिय और कर्मठ नेता हैं, सबके दुख सुख में हमेशा सदैव खड़े रहते हैं। जब भी किसी कोई भी अगर किसी टाइम याद किया है तो धनंजय सिंह हमेशा उसके घर पर नजर आते हैं, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि जब भी कोई कॉल किया हो या कोई किसी की समस्या रही हो, वो हमेशा तुरंत हल करने की कोशिश करते हैं, तत्काल कार्रवाई करते हैं, चाहे वो किसी भी विभाग का अधिकारी हो। और हमेशा के लिए इसलिए दूसरों की निगाह में धनंजय सिंह बने रहते हैं, विपक्ष के निगाह में भी इसलिए बने रहते हैं, क्योंकि इतना लोकप्रिय नेता है, सबको ये इस बात का डर है कि इनके आने से हम लोगों की भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। सबसे बड़ी बात यही है धनंजय सिंह के लिए, और जनता उनसे डायरेक्ट संवाद करती है, किसी बीच वाले व्यक्ति की जरूरत नहीं है। आप उनका नंबर लेके आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, दूसरे किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं कि आप बीच में आइए तभी धनंजय सिंह आपसे बात करेंगे, नहीं, आप डायरेक्ट जाइए। धनंजय सिंह ने कभी जातिवाद, भेदभाव या वर्गवाद से राजनीति नहीं की है, हमेशा एक मानवतावादी राजनीति की है। अगर कोई भी व्यक्ति उनके घर पर गया तो हमेशा खाली हाथ नहीं आया, अगर उसका जो भी काम रहा है हमेशा कार्य करने का प्रयास करते हैं वो अपने स्तर से। ये क्षेत्र जो है कौन सा एरिया है ये अपना? ये फतेहगंज बाजार है, ये 367 मलहनी विधानसभा के अंतर्गत आता है। जी, फतेहगंज बाजार, यहाँ इस बार जो समर्थक हैं सब मतलब धनंजय सिंह के सपोर्ट में है ज्यादा? पूरा मलहनी इस बार मन बना चुकी है कि इस बार धनंजय सिंह को लाना है, चाहे किसी कुछ भी हो जाए। हर वर्ग यहाँ पर धनंजय सिंह के साथ जुड़ा हुआ है। अभी जैसा कि चाचा जी बता रहे हैं कि यहाँ पर हर वर्ग, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जो धनंजय सिंह से डायरेक्ट संवाद न करता हो, डायरेक्ट बात न करता हो, डायरेक्ट अपनी मदद या अपनी कोई समस्या न बताता हो। मलहनी को तो एक जातिगत वर्ण श्रेणी में बांटा गया कि लगता है कि बोलते हैं एक जात के वजह से जो हारने के रीजन, इस बार आप उसमें क्या कहना चाहेंगे? इस बार जातिगत चक्रव्यूह को तोड़ते हुए धनंजय सिंह मलहनी के विधायक निर्वाचित होंगे, क्योंकि जाति आधार पर जो अभी तक राजनीति चलती थी उस राजनीति को तोड़ने का कार्य अगर कोई किया है तो केवल धनंजय सिंह। धनंजय सिंह के पास ठाकुर ब्राह्मण बस्ती हर किसी भी वर्ग के अगर कोई बात कर लिया जाए तो हर व्यक्ति के लोग उनके पास जाते हैं, सबकी मदद होती, सब लोग उनसे जुड़े हुए हैं, सब चाहते हैं कि धनंजय सिंह आए, मलहनी का भी विकास हो, उतना कोई कार्य नहीं किया।
जो आप चाचा जी, आप तो आपका एज भी है, आप कितने सालों से धनंजय से जुड़े हुए हैं? मैं इनसे जब ये फर्स्ट में 2000 के लगभग से। तो जो क्षेत्र में इनका कार्य कैसा रहा? कार्य नंबर एक है, छोटे बड़े का इसमें भेदभाव नहीं है। पहली बात, जातिवादी नहीं है। मेन बात तो ये है जो आजकल चल रहा है, हर एक के साथ में है, गरीब के साथ में भी है, अमीर के साथ में भी है, लंगड़े के, लूले के, सबके साथ हैं। और कोई भी गरीब मर गया उसका पता नहीं, उसके यहाँ जाते हैं, जो हो सका वो देते हैं, पूरा सूद तरही का खर्चा देते हैं, मुसलमानों को भी देते हैं। ऐसी कोई बात उनके अंदर देखा नहीं जा रहा कि हम उन्हें दरकिनार कर दें। दूसरी बात, हम कहीं भी जाएंगे, बलिया गए, आजमगढ़ गए, इलाहाबाद गए, बनारस गए, चंदौली गए, महाराष्ट्र गए, खाली पूछते हैं मुझसे, आप कहाँ के रहने वाले हो भाई, फला जगह भाई, ये कहाँ पर आप धनंजय सिंह को जानते हैं? हाँ भाई जानते हैं, हम उन्हीं के क्षेत्र के हैं। ये सबसे बड़ी बात है। मान सम्मान भले हमारे घर के ही हैं, हमारे पड़ोस के ही हैं, या हमसे 100-200 किलोमीटर दूर के हैं, लेकिन हम उनसे डायरेक्ट मिलते हैं और जहाँ उनका नाम बताता हूँ सब समझ जाते हैं कि वहाँ के रहने वाले हैं। देखिए श्रीकला जी, हमारे यहाँ से जब से जिला पंचायत अध्यक्ष हुई हैं, जो जौनपुर में एक ये था कि सड़कों का निर्माण नहीं हो सकता, कहीं पर भी आप जाइए, आप कहीं गली में घुस रहे थे, वहाँ सबसे बड़ी हमारे यहाँ समस्या थी सड़क की और पानी की। तो जब से माननीय श्रीकला धनंजय सिंह जी जिला पंचायत अध्यक्ष हुई हैं, तब से हमारे मंडली विधानसभा में एक चीज़ तो है, पानी की समस्या और सड़क की समस्या निजात मिल चुकी है। 70% जगह पे सड़क बन चुका है और 30% जगह बची हुई है। संभवतः इलेक्शन के बाद माननीय विधायक सांसद जी जब विधायक होंगे तो मलहनी का एक नया रूप होगा, जो प्रदेश ही नहीं देश के भी मॉडल में आएगा कि हाँ कोई विधानसभा हो, कोई नेता हो, तो वो मलहनी की जैसा काम हो। हमारे मलहनी विधानसभा में हमेशा हाईलाइटेड रहे हैं, यहाँ पे तो कहावत ये, अगर आप एक पत्थर उठा के मारिए तो वो एक PCS को लगेगा या एक IS को पत्थर लगेगा, लेकिन उसके बावजूद हमारा मलहनी जौनपुर जो है विकसित नहीं हो पाया है। वो किसी न किसी जाति धर्म के राजनीति के कारण ये विकसित नहीं हो पाया। ये बताइए आप, इतनी डेवलपमेंट थी, न इंडस्ट्री है, न कुछ है। अगर कुछ भी गवर्नमेंट आए, हम उससे यही गुजारिश करेंगे कि डेवलपमेंट वो जो हो, जो भी हमारे यहाँ से MP MLA जीत के जाए, वो अपनी जेब भरने के जगह अगर वो क्षेत्र का विकास करे, तो एक जो आदमी बाहर जाके काम कर रहा है वो जौनपुर में तो काम करे, जौनपुर का नाम हो, टूरिज्म पैलेस हो। आप यहाँ बगल का बनारस देख लीजिए, टूरिज्म प्लेस बन चुका है, मिर्ज़ापुर देखिए, टूरिज्म। धनंजय सिंह से आप क्या उम्मीद रख रहे हैं कि कार्य करें? अगर धनंजय सिंह यहाँ से बन रहे तो हम ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे कुछ न कुछ इंडस्ट्री वो लेके आएंगे और विकास की बयार जो है वो मलहनी में इस बार बहेगी और माननीय धनंजय सिंह फिर से MLA बन के हमारे यहाँ से 2022 में लौट रहे हैं। देखिए सर, मेरा नाम आलोक सिंह है, सुरवार पट्टी फतेहगंज का मैं निवासी हूँ। आपने धनंजय सिंह के विषय में पूछा तो मैं आपको बता दूं कि 2019 के जो मलहनी विधानसभा का उपचुनाव था उसमें धनंजय सिंह को 70,000 वोट मिले, और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 70,000 में से मैं ये कहता हूँ कि लगभग सभी मतदाता धनंजय सिंह से सीधे जुड़े हैं, बीच में किसी की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि स्थिति ये है कि जो धनंजय भैया को वोट नहीं देते हैं वो भी आवश्यकता पड़ने पे उसके पास जाते हैं। और हाँ, धनंजय सिंह के विषय में बाहुबली जैसे शब्द यूज़ किए जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं वो बाहुबली है लेकिन किस लिए? दबी कुचली जनता का काम करने के लिए, गरीबों की आवाज़ सुनने के लिए, पब्लिक के आवाज़ देने पे वहाँ पहुँचने के लिए। इस विषय में कह सकते हैं हमारा नेता जो है वो ताकतवर है। और जहाँ तक धनंजय भैया की बात करें तो किसी भी नेता के 3 काम होते हैं। पहला काम, पद पे रहते हुए वो कुछ काम करें। दूसरा, पद पे नहीं है फिर भी कुछ ऐसी आवश्यकता हो किसी गांव, किसी मोहल्ले की, तो उसको पूरा करे। तीसरा, व्यक्तिगत कार्यों में वो तत्पर रहे। जैसे किसी व्यक्ति को सुख दुख पड़ गया और उसकी क्षमता उतनी नहीं है, तो धनंजय भैया में वो क्षमता है कि वो उसकी जो है मदद कर देते हैं। और इसके साथ ही जब वो पद पे रहते हैं, जैसा कि आप ये बेल्ट देख रहे हैं, ये सही और गोमती के बीच का बेल्ट है और यहाँ का वाटर लेवल काफ़ी नीचा है, मतलब यहाँ पेयजल की काफ़ी समस्या है। तो धनंजय भैया ने इस समस्या को समझते हुए अपने कार्यकाल में लगभग 10,000 से ज़्यादा हैंडपम्प उन्होंने लगवाए। इसके साथ जो सड़कें हैं
जो गांव में जो लिंक सड़कें होती जो बस्ती बस्ती जाती हैं, जिसे हम इंटरलॉकिंग कर सकते हैं या बस्ती की सड़क कह सकते हैं, जो वहां पर हमारे दबे कुचले लोग रहते हैं, तो उनके लिए भैया ने वो काम किया है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो नेता होता है वो जन नेता होता है, मतलब जनता के बीच रहने वाला, जिससे जनता हमेशा मिल सके और वो जनप्रियता को प्राप्त कर सके। तो इस विषय में देखा जाए तो धनंजय भैया हर सांचे में फिट बैठते हैं, इसीलिए आप ये विश्वास करिए कि हम मलिनी के परिसीमन को जिन जातियों के बीच, जिन धर्मों के बीच बांटते हैं, उसका भी बहुत परसेंट और धनंजय भैया को इस बार मिलने वाला है। तो हम लोग पूरी मजबूती के साथ धनंजय भैया के साथ जुड़े हैं और हमें इतना विश्वास है कि हम जिसके पीछे लगे हैं वो हमारा नेता है और हमारी आवश्यकता पड़ने पर काम ज़रूर सुनेगा। धनंजय भैया एक बहुत अच्छे ही नेता हैं, गरीबों के मसीहा हैं। जो सब लोग कहते हैं बाहुबली, वो बाहुबली नहीं है, वो बस गरीबों के मसीहा हैं। जो यहाँ पिछले उपचुनाव में जीता गया कैंडिडेट है 2019 में, मलिनी का ऐसा परिसीमन है कि विशेष जाति वर्ग, मैं अपने मुंह से नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे, उसका परिसीमन इस तरह किया गया है कि पूर्व डीएम ने जब परिसीमन हुआ था, अनुराग यादव जी ने इस तरह परिसीमन किया उसका है कि केवल उस परिसीमन का प्रभाव उनको मिल जाता है। लेकिन इस बार देखिएगा, इस बार हर जाति धर्म से ऊपर उठ के सभी उनको वोट करेंगे। जो हमारे लिए खड़ा है 5 साल, उसके लिए हम खड़े हैं इलेक्शन में।